स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मी द एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th एज यूजुअल, जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया था, यहाँ हमें एक टिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, बाकी सारे टिग्नोमेट्रिक रेशो हमें अपने एंड पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें दिया हुआ है एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉस और सेक दोनों की दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, बाकी सारे टिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखिए इसे हम फाइंड आउट करेंगे, सेक एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा हमारा 5/13। तो मैंने 5/13 कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मेरे पास कॉस एक्स है तो मैं यहाँ से टेन एक्स और साइन एक्स निकाल सकती हूँ, तो साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगी सबसे पहले मैं। तो साइन एक्स की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू, तो मैं यहाँ साइन की वैल्यू निकाल दूंगी, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस, सॉरी प्लस कॉस की वैल्यू 5/13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 और 13 का स्क्वायर दैट मीन्स 169 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 25/169। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 - 25/169। ये कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, 169 और 25 दैट मीन्स 4/1, मतलब ये कितना आ जाएगा 144। 144/169। लर्नर्स इसे आप साथ ही साथ में नोट करते जाइए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144/169। स्क्वायर टाइम के रूट लगा देंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 144/169। तो देखिए लर्नर्स, क्वाड्रेंट कौन सा बोला, फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स केवल और केवल कॉस एक्स और सेक एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। तो देखिए साइन एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब 144 रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 का ही तो होता है रूट, और 169 13 का, तो ये देखिए माइनस का 12/13। मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब मैं कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट इजिली कर सकती हूँ। तो देखिए कॉसेक एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको पहले आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -13/12। तो ये आ गई हमारी कॉसेक एक्स की वैल्यू। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू तो बहुत ही ईजी है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10x। साइन की वैल्यू कितनी है, मैं इसको आगे कर रही हूँ, कॉस की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ उसे, ये रफ वर्क में लिख रही हूँ ताकि मेरे को याद रहे। साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है लर्नर हमें, -12/13, और कॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/13। बस मैं इसको रफ कर रही हूँ सारा, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, फोकस करना है फॉर्मूलेस पर, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूले याद रखना है आपको। तो देखिए 10x इज इक्वल्स टू, मैंने यह वैल्यू रख रखी थी पहले से, तो -12/13 डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू कितनी थी 5/13। -12/13 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/5। 13 से 13 कैंसिल, दैट मीन्स -12/5। 10x की वैल्यू आ गई हमारे पास -12/5, तो कॉट की वैल्यू भी निकाल देंगे, कॉट एक्स इज इक्वल टू, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, -5/12। ये आ गई हमारे पास कॉट की वैल्यू। तो लर्नर इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड आउट करनी है।
यहाँ दिया हुआ है x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है साइन और कॉसेक x जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो देखिए लर्नर, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब तो ये मैंने आपको बता दिया, टेन एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तभी टेन एक्स जो है वो माइनस में दिया हुआ है। टेन एक्स दिया हुआ है तो इससे हम कॉट एक्स निकाल सकते हैं, तो कॉट एक्स इक्वल टू जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है, माइनस साइन एज इट इज लगेगा 12/5, तो ये कॉट एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, कॉट एक्स की वैल्यू आ गई, टेन एक्स की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो इसे हम अब क्या निकाल लेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स जो हमारी मर्जी। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सेक एक्स निकाल सकते हैं, 1 + tan² x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 + tan x कितना दिया हुआ है, -5/12 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। लर्नर्स जरूरी नहीं है जो मैं फॉर्मूले लगा दू वो ही आप फॉर्मूले लगाएं, आपके ऊपर है, आपको एट अ टाइम जो फॉर्मूले याद आ जाए आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक, आपकी मर्जी है। ये मैं अपनी साइड से लगा रही हूँ जो मुझे उस समय पे ठीक लगते हैं जब मैं सॉल्यूशन कराती हूँ क्वेश्चंस का, आपके ऊपर है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से फॉर्मूले ठीक लग रहे हैं, ओके। तो देखिए लर्नर्स, मेरे को ये फॉर्मूला याद आ गया तो मैंने ये लगा दिया, 1 + ये इसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर लगाना मैं भूल गई, ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 12 × 12 = 144 sec स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 + 25 / 144 = sec स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा, 144 और 25 9 6 और 1 169, दैट मीन्स टोटली कितना हो जाएगा, 169 / 144 = sec स्क्वायर एक्स, मतलब अब sec स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा sec x इज इक्वल टू रूट ऑफ 169/144 प्लस और माइनस sec x, यहाँ पर क्या दिया हुआ, x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कि साइन और cosec x केवल और केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव में रहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस 169 का रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 144 से हटाएंगे तो 12, मतलब sec x आ गया मेरे पास। अब कॉस एक्स निकाल सकते हैं, सेक एक्स आ गया तो कॉस एक्स निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, -12/13 और मेरे पास सेक एक्स है यहाँ पर कितना, -12/-13/12, ये दोनों आ गए मेरे पास, और यहाँ पर कॉट एक्स और टेन एक्स है मेरे पास, अब बचा क्या, साइन एक्स और कॉसेक एक्स। तो लर्नर साइन एक्स और कॉस एक्स निकालने में तो बहुत ही ईजी है, अब हमें क्या करना होगा, साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए एक फॉर्मूला ढूंढना होगा, बस कॉस एक्स दिया हुआ है तो यहां से मैं साइन एक्स निकाल सकती हूँ इजीली, तो देखिए यहां से निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं, मेरे को बहुत इजी लगता है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना दिया हुआ है, -12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कितना आ जाएगा, ये 144/169 = 1, साइन स्क्वायर एक्स इसको इस साइड ले जाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 144/169, दैट मीन्स टोटली कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 - 144 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 169, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/169 स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25/169, ये आ गया फाइनली। एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर मैंने पॉइंट आउट किया इसको, मतलब कि साइन जो है वो क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, तो साइन पॉजिटिव आएगा तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5/13 पॉजिटिव आएगा, इसी से कॉसेक एक्स निकाल लेंगे हम, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो लर्नर इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4th and 5th। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग या इससे पहले जो भी मैंने बेसिक्स बताया उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।